जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश आया है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए महाभारत से बड़ी अच्छी रचना आप श्रवण करेंगे। गांधारी व्याही ना होती तो 99 पुत्रों को गवाए ना होते, और ना चलते अगर शकुनी के पासे, ना चलते अगर वहां पर शकुनी के पासे, कौरव जुए में जीत पाए ना होते। महाभारत की जड़ मामा शकुनी और सहदेव के बीच में घोर संग्राम होता है, यही कथा आप श्रवण करेंगे। कहना है कि हम वो वीर है जो घाव पर घाव देते हैं। आज सहदेव के सामने मामा शकुनी है, आज मामा शकुनी को सहदेव ललकारते कहा मामा कि हम वो वीर है जो घाव पर घाव देते हैं, और सामने आ जाए तो कलेजा निकाल। सर से पसीना छूट जाएगा, ऐसी मार मारूंगा रण मैदान में मामा, रणभूमि से भागता नजर आएगा। क्या कहा क्या? कि हमसे हमसे उलझना रणभूमि में तेरे बस की बात नहीं, और बड़ी बड़ी क्यों बातें करता लड़ने की औकात नहीं। आज सहदेव मामा शकुनी को ललकारते हैं, और लड़ ले आजा
और कर दू खत्म जिंदगानी। हमसे जो भी लड़ा जान से वो गया, हमसे जो भी लड़ा जान से वो गया, हमसे जो भी लड़ा जान से वो गया। मामा टकरा ले कर ले समल, जोर लगा बाजी लगा हम न डरेंगे।
अरे मामा धोखे बाजी हो धोखा करी के पारी करते हो नहीं चलेगा। हाँ। आज दोनों में महासंग्राम होता है, तो आज सहदेव कहते कि मामा एयू ज्यादा मुंह ना चलाओ, कैसे और लाया के हमको दिखाओ। ए आजा बल्ले अजमल तेरे साथ बुला ले, आजा बल्ले अजमल तेरे साथ बचे जाने ला। ए समर में आ गया काल सरता गया, समर में आ गया काल सरता गया, समर में आ गया काल सरता गया। ओ यू ज्यादा मुँह न चलाओ ना के हमको दिखा, समय समाप्त। अपने भाले से मामा सखनी का वध कर देते।